इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में विपक्ष को बड़ा झटका, एसपी, कांग्रेस और बीएसपी के कई नेता बीजेपी में शामिल। बीएसपी नेता अजित बालियान, मुरली जायसवाल, अभयनाथ त्रिपाठी बीजेपी में शामिल हुए। एसपी नेता सोनम, कांग्रेस नेता अजय शंकर दुबे ने भी बीजेपी ज्वाइन की। शिरोमणि अकाली दल के प्रदेश अध्यक्ष गुरुदीप बग्गा ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। चुनाव से पहले मायावती की पार्टी में अखिलेश यादव की सेंधमारी, बीमार चल रहे बीएसपी विधायक और पूर्व मंत्री सुखदेव राजभर से मिले अखिलेश यादव। कई दिनों से बीएसपी से नाराज चल रहे सुखदेव मायावती को चिट्ठी लिखकर बीएसपी को मिशन से भटकी पार्टी बता चुके हैं। चिट्ठी में सुखदेव राजभर ने अखिलेश को बताया था यूपी का भविष्य, बीएसपी पर लगाया था आरोप, लिखा था स्वार्थी तत्वों के दबाव में हमारे समाज के लोगों को पार्टी से किया गया बाहर। यूपी में कल से शुरू होगा बीजेपी का मिशन ओबीसी, गैर यादव ओबीसी वोटर्स को लुभाने के लिए पार्टी करेगी पूरे राज्य में कार्यक्रम। कल मेरठ से होगा अभियान का आगाज। 18 सितंबर को अयोध्या में बड़ा कार्यक्रम करेगा बीजेपी का ओबीसी मोर्चा, गृहमंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं शामिल। 3 सितंबर को कानपुर, 4 को मथुरा और 8 सितंबर को काशी में होगा बीजेपी का कार्यक्रम। केंद्र और प्रदेश के ओबीसी मंत्री भी शिरकत करेंगे। यूपी के एक और जिले का नाम बदलने की उठी मांग, जौनपुर के बीजेपी विधायक दिनेश चौधरी ने सीएम योगी को लिखा खत। विधायक ने जौनपुर का नाम भगवान परशुराम के पिता के नाम पर करने की मांग की, कहा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने भाई जूना खान के नाम पर बदला था जिले का नाम। ब्राह्मणों के नाम पर सियासत कर रहे विपक्षी दलों पर बीजेपी विधायक का हमला, कहा भगवान परशुराम के पिता के नाम पर चुप्पी क्यों साधे है विपक्ष। यूपी में एसपी बीएसपी के ब्राह्मण कार्ड खेलने पर भड़के कलराज मिश्र, कहा जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं दोनों पार्टी। कलराज मिश्र का एसपी बीएसपी पर हमला, कहा ब्राह्मण कोई जाति नहीं, एक विराट संस्कृति है, उनके नाम पर अपने हितों को साधने के लिए प्रबुद्ध वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग सम्मेलन किए जा रहे हैं। लखनऊ में हुए विद्वत समाज सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भी शामिल हुए। महेंद्र नाथ ने एसपी बीएसपी का नाम लिए बिना कहा विपक्ष को 5 साल बाद याद आते हैं ब्राह्मण। मेरठ में एआईएमआईएम पार्षद की हत्या को लेकर ओवैसी का योगी सरकार पर हमला, योगी राज में राजनीतिक हिंसा पर उठाए सवाल, पूछा सिर्फ केरल और बंगाल में राजनीतिक हत्याओं की चर्चा क्यों होती है। मेरठ में शनिवार को हुई थी जुबैर अंसारी की हत्या, बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मारकर फरार हो गए थे। जन्माष्टमी पर आज मथुरा जाएंगे सीएम योगी, दोपहर 3:30 बजे मथुरा के रामलीला मैदान में श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होंगे। मथुरा में श्रद्धालुओं ने निकाली शोभा यात्रा, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा भी यात्रा में शामिल हुए। श्रीकांत शर्मा ने कहा जब से बनी है केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार, तब से दिव्यता और भव्यता से होने लगे हैं हिंदुओं के धार्मिक त्यौहार। आगरा में आम आदमी पार्टी ने निकाली तिरंगा संकल्प यात्रा, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में आपने दिया शिक्षा मुफ्त और बिजली मुफ्त का नारा, 403 विधानसभाओं में आप निकालेगी तिरंगा यात्रा। मनीष सिसोदिया का योगी सरकार पर हमला, कहा यूपी में शिक्षा का स्तर शर्मसार करने वाला, गुफ्ट सरकारी स्कूल देखने जाने पर पुलिस रोक देती है। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को कहा मनहूस पार्टी, बोले कोरोना महामारी में यूपी के गांव-गांव में बिना दिया यूपी के गांव-गांव को बना दिया गया शमशान। यूपी के लिए घोषणा पत्र तैयार करने में जुटी कांग्रेस, गोरखपुर में रेलवे कर्मचारी, कुली और रिक्शा चालकों से मिले सलमान खुर्शीद। खुर्शीद ने कहा प्रियंका गांधी ने दिए लोगों से मिलकर मैनिफेस्टो बनाने के आदेश, समाज के सभी वर्गों को शामिल करने का उद्देश्य है। कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह की अमरिंदर सिंह के खिलाफ खुली बगावत, का हरीश रावत बताएं कब तय हुआ था अमरिंदर के नेतृत्व में लड़ा जाएगा अगला विधानसभा चुनाव। हरीश रावत ने कैप्टन के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही थी। प्रगट सिंह ने कहा सोनिया राहुल के नेतृत्व में चुनाव लड़ना तय हुआ था। प्रगट सिंह के वार पर हरीश रावत का पलटवार, कहा सोनिया राहुल प्रियंका अखिल भारतीय चेहरे, कैप्टन और सिद्धू स्थानीय फेस। अमृतसर में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने क्षेत्र से गायब रहने का आरोप लगाया। नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर कैप्टन पर साधा निशाना, बिजली दर को लेकर किए 2 ट्वीट, कहा सार्वजनिक हित में पीएसईआरसी को तुरंत निर्देश जारी करे पंजाब सरकार। सिद्धू ट्विटर पर मुख्यमंत्री को निर्देश देते दिखे, कहा प्राइवेट पावर प्लांट्स के टैरिफ में बदलाव करें, उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की में मिलेगी इससे मदद। सिद्धू ने मुख्यमंत्री को घरेलू टैरिफ घटाकर 3 रुपए प्रति यूनिट और उद्योग के लिए 5 रुपए प्रति यूनिट करने की सलाह दी, बकाया बिलों के निवारण और ज्यादा बिलों को माफ करने के लिए कहा। पंजाब कांग्रेस में मची कलह पर उत्तराखंड बीजेपी ने ली चुटकी, कार्टून ट्वीट कर लिखा कहानी कांग्रेस की। उत्तराखंड कांग्रेस का सरकार पर अटैक, ट्विटर पर लिखा बीजेपी राज में न्याय गायब, अन्याय हावी है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा है। महाराष्ट्र बीजेपी ने के मंदिर खोलो आंदोलन के बहाने आपका
धामी सरकार पर अटैक, उत्तराखंड में पार्टी इंचार्ज दिनेश मोहनिया ने बीजेपी को बताया दोगला। दिनेश मोहनिया ने कहा उत्तराखंड में चारों धाम बंद जिससे लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट, लेकिन बीजेपी को महाराष्ट्र में मंदिर खुलवाने की पड़ी है। देहरादून के बीजापुर गेस्ट हाउस में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, पौधा किया गिफ्ट। चुनाव से पहले गोवा में भी नाम बदलने की सियासत, गोवा में हॉकी स्टेडियम का नाम बदलने की तैयारी, मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाएगा हॉकी स्टेडियम का नाम। गिरीश चोडानकर बने रहेंगे गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष, चुनाव से पहले पार्टी ने प्रदेश में गठित की 5 समितियां। मंदिर पर लटका ताला, सड़क पर छिड़ा संग्राम। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।